टूरिज्म, टूरिज्म इधर का विकास करना चाहती हूँ, विकास टूरिज्म को बढ़ाएंगे तो विकास होगी। तो वहाँ के जो हमेशा कहते हैं कि इतना साफ सुथरा नहीं है, साफ सुथरा होगा देन लॉट ऑफ बेरोजगारी है वहाँ ख़त्म होगी, लोगों को नौकरी मिलेगी। और मैं भी एज एन एमपी बहुत सारे प्लान्स मैंने किए हैं जो जो करना है वो सब इसको एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन इसको बढ़ाएंगे तो बहुत कुछ होगा इधर, ऐसा मेरा एक मन में एक विचार है। सो आई एम श्योर दिस विल ऑल हैपन विद द ग्रेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा। थैंक यू। You would like to ask any questions? आपके मन में कुछ क्वेश्चन है? बहुत सारे होंगे। बहुत है। यानी रफड़ के कुछ भी पूछिए। हाँ, बिल्कुल, सही है। आई एम अजीत, ये जरूर पूछना चाहेंगे, आपने जो अभी तक का कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो है ही है, क्या धर्म जी भी आपके साथ आएंगे, परफॉर्म करेंगे? नहीं, उन्होंने आने के लिए तो कहा है कि one of the day he is definitely going to, he is planning to come. Since he is not feeling very well, so I am not forcing him to come, but he said definitely he will try his best and come. तो अभी तक आपने जो भी काम किया है वहाँ के लिए, क्या उसको बताया है या दिखाया है मथुरा ले जाकर के? हाँ हाँ, उन्होंने वो तो पूरा खबर रखते हैं क्या क्या हो रहा है, everything he knows, because वो अपने भी, वो खुद भी एक बीकानेर का MP बन चुके हैं, तो उन्होंने वहाँ पे बहुत काम किया है जो उन्होंने पब्लिसिटी कभी नहीं किया, ये बात सही है, लेकिन बहुत कुछ किया, तो उनको एक्सपीरियंस भी है कैसा किस कैसे लोगों से कैसा डील करना चाहिए, यू नो हाउ टू, व्हाट आर द थिंग्स वी कैन डेवलप, सो ही कीप्स शेयरिंग विद मी लॉट ऑफ थिंग्स। नहीं, अभी अभी शेर और शायरी बोलने के समय नहीं है, वी हैव टू, इट्स अ डिफरेंट मोड नाउ। हाँ जी, यस, हाँ जी, बहुत कुछ प्लान किया है और मैं मोदी जी से भी डिस्कस करती रहती हूँ। वहाँ तो सबसे बड़ा तो ये मुद्दा ये है, यमुना का शुद्धिकरण करना, इट्स इन सच अ बैड स्टेट, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट।